चुनावी चौसर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की बात कर लेते हैं। आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले के म्याना में बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में प्रचार किया और गांधी परिवार पर हमला बोला और कहा कि नेहरू जी की आत्मा आंसू बहा रही हो कि मेरे यहाँ कौन सी पोती हो गई जो शादीशुदा होने के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहन। तुमने तो दुर्भाग्य से शादी भी वहां नहीं करी। नेहरू जी का परिवार भगवान के यहाँ से नेहरू जी आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ कहाँ की पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही शादीशुदा होने के बाद। और शादीशुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो वहां का लग रहा वो लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते, लेकिन ये वोट के भूखे लोग ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहां से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहां होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी गांधी के नाम में वोट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुना लोकसभा क्षेत्र की बदरवास में जनसभा की और कांग्रेस को निशाने पर लिया, कांग्रेसियों को खूब कोसा, कहा कि इन्होंने भगवान राम का निमंत्रण लिखकर ठुकराया। सीएम ने यादव बाहुल्य क्षेत्र में स्वयं को मुख्यमंत्री बनाने के बाद यादवों के बीच के डाली और कहा कि पहली बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। ये कांग्रेस का अहंकार तो देखो, घमंडिया गठबंधन का क्या सोचते हैं? नहीं हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। लिख करके निमंत्रण देने वालों को ठुकराया कि हम नहीं आएंगे, निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना अहंकार, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं। अरे अभी तो भगवान राम का ही बना, जमुना जी वाले तो भूल ही रहे अपने कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया तुम्हारा गठबंधन देख लिया, तुम्हारा घमंड देख लिया। भगवान की दया से आज का तो अपना वोट अब किधर जाना चाहिए हमको मालूम है। जब जब इस प्रकार का अन्याय होता है, अत्याचार होता है, समय बदलता है, तो समय बदलते में भी धर्म के मार्ग को स्थापित करने के लिए गोपाल कृष्ण ने हमेशा अपनी भूमिका अदा की। बोला की कि नहीं की है? बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। और क्या क्या बोलते हैं? अभी मैं बोलूंगा तो मेरे पे गालियां चालू हो जाएगी। मोदी जी बोलते तो मोदी जी पे गालियां चालू हो जाएगी। जो ये बात करेगा उनको गालियां देना, ये इनका काम है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दतिया के इंदरगढ़ पहुंचे। उन्होंने बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य और भिंड लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के पक्ष में जनसभा की। केशव प्रसाद ने मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना पीसा था। उसके लिए 400 पार है। एक देश में सबके लिए एक कानून बनाने के लिए, सामान्य नागरिक संहिता लाने के लिए 400 पार चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा कांग्रेस ने सौंप दिया था, वहां भी तिरंगा फहराएंगे, उसके लिए भी 400 पार चाहिए। ग्वालियर चंबल के चुनावी रण में अब भाई बहन की एंट्री होने जा रही। भिंड और मुरैना में राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचेंगे। राहुल प्रियंका के दौरे को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस में उत्साह है। मुरैना में पीएम मोदी की सभा के बाद 2 मई को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सभा होने जा रही है। प्रियंका मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के लिए बड़ी सभा करने वाली हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड में एक बड़ी सभा करेंगे। राहुल गांधी भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के पक्ष में आम सभा करेंगे। बीजेपी दावा कर रही कि सभाओं से असर ही नहीं होगा। देश की जनता ने उन्हें नापसंद कर दिया है। आज कांग्रेस का पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी और बड़ा जनाधार था, आज वो पूरे हिंदुस्तान में मात्र 200 सीटों के लगभग चुनाव लड़ रही है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में वो क्या सूपड़ा करेंगे? सीधी लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में कैद है, 4 जून का इंतजार है। बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला भी है। ऐसे में दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दम अब भी भर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस प्रत्याशी भी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मिलने का दावा अब कर रहे हैं।
जीत को लेकर के मैं पूर्ण अस्वस्थ हूँ जी, और मेरे से ज़्यादा अस्वस्थ मेरी जनता जनार्दन है सीधी की, मेरे कार्यकर्ता है जी, और उन्हीं की वजह से मैं अस्वस्थ। कहाँ आपको लगता है कहाँ कठिनाइयाँ आई चुनाव में, पूरे चुनाव प्रचार में और वोटिंग में? कोई कठिनाई नहीं थी जी, चुनाव तो हमारी लड़ने की आदत रहती है हमेशा से। दूसरे चरण के चुनाव में रीवा और सतना में मतदान हुआ। मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। रीवा में पिछले चुनाव से करीब 11% मतदान कम हुआ। हालांकि बीजेपी के सांसद प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने मतदान के बाद जीत का दावा कर डाला और कहा कि कोई कुछ भी कहे, अब की बार तो 400 पार। लोगों के मन में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक संकल्प था और उसे पूरा करने का काम किया गया है। जो उत्साह लग रहा था कि वोटिंग परसेंट ज्यादा होगा, 50% तो पाया, क्या कारण हो सकता है? शादियां प्रतिबंध इतना ज्यादा था तमाम, तो ये इसने बहुत व्यवधान पैदा किया, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दो चरणों में हुए मतदान के बाद चारों सीटों पर जीत का दावा किया। बलरामपुर में उन्होंने कहा कि माहौल अच्छा है। तारीख को पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ का एक लोकसभा क्षेत्र था बस्तर, उसमें करीब 67% मतदान हुआ। और कल दूसरे चरण में 3 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है, आपका राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का, और कल 74% से ऊपर मतदान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है, चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इस बार पूरी सीट 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कवासी लखमा ने कांग्रेस के 7 से 8 सीट जीतने का दावा किया और कहा कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं, मुर्गा लड़ाई में मेरा ही तो मुर्गा जीता था। हो चुके हैं और दूसरे चरण के भी मतदान हो चुके हैं, अब बारी तीसरे चरण की है, लेकिन दोनों जो चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर क्या लगता है कांग्रेस को, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है बस्तर में अभी जो चुनाव, चारों चुनाव हुआ है, चारों चुनाव कांग्रेस के पास में गया, चारों। तो आपको क्या लगता है कितने उससे जीतेंगे? अगर वो अभी बोलना ठीक नहीं है कितने वोट में जीतेंगे, जीत एक वोट में भी जीतेंगे, 1,00,000 में भी जीतेंगे, जीत तो जीते ना। वहाँ मुर्गा लड़ाई किया हूँ, एक ही मार में एक मुर्गा मार दिया। अच्छा? उसे में पता चलता है कि चुनाव हम जीतेंगे। मुर्गा लड़ाई आपने किया तो एक ही मार में मुर्गा मार दिया, तो लाल बांधा था मैं, पांडरी को एक साथ मार दिया, आप लोग सब देखे होंगे। तो चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, मतलब चुनाव पूरा मुर्गा लड़ाई की तरह, मुर्गा लड़ाई तरह तीनों सीटें, चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। तो ये है कवासी लखमा और उनका दावा है कि 7 से 8 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत रही है। अपने बस्तर की सीट को लेकर भी कहना है उनका कि वो लीड ले रहे हैं, हालांकि कितने वोटर से वो जीतेंगे, वोट नहीं, उनका कहना है कि वोट कहना बताना अभी ठीक नहीं है, लेकिन उनकी जीत होगी। और जो अभी दूसरे चरण के भी जो चुनाव हैं उनको लेकर उनका कहना है कि 4 सीटों पर अभी चुनाव है, चारों सीटें हम जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर प्रहलाद सिंह पटेल ने कम मतदान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस की निष्क्रियता को इसकी वजह बता दिया। चार जून के परिणाम के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है कि हमारी सक्रियता अगर है तो मतदान बढ़ना ही चाहिए, लेकिन गर्मी थी, वैवाहिक कार्यक्रम थे, कांग्रेस की निष्क्रियता, 3 कारण मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी 10% की गिरावट बड़ी गिरावट है और मैं से चिंताजनक हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भिंड पहुंचे थे, उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे अरुण यादव भी थे और साथ साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी भी थे, लाखन सिंह यादव भी मौजूद थे और भिंड के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की गई। इस दौरान बीजेपी पर निशाना भी साधा गया। महंगाई की यातना है, हर घर परेशानी अद्भुत हद दर्जे की है। क्या हुआ भैया किसानों की डबल इनकम का? क्या हुआ विदेशी कर्ज सबसे ज्यादा आपने ले लिया, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति क्या है?
क्या कारण है कि आपके पास 10 साल बीते आपके, आप जब भाषण देते थे, जो बातें करते थे, देश जिस पे भरोसा करता था, एक पूरी नहीं की। आपको 10 साल हो गए, 5 साल और चाहिए, और अग्निवीर को 4 साल दोगे, ये कैसे कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर राजेश तिवारी उज्जैन पहुंचे और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चीन के सामान की गारंटी और मोदी सरकार की गारंटी की कोई गारंटी। राजेश तिवारी ने कहा कि चुने हुए सांसदों के प्रश्न करने की कोशिश की तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया, किसानों को दबाने की कोशिश हो रही। मोदी जी ने झूठे नारे दिए हैं, देश में एक जुमला फैलाया है, उन बेरोजगार पे बात कर नहीं करते, भय पे बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते। जिस देश में नारा होना चाहिए पिछले 10 साल में कि हम आपको भय के पार ले चलेंगे, भ्रष्टाचार से पार ले चलेंगे, बेरोजगारी के पार ले चलेंगे, वहाँ नारा हो रहा है हमको 400 पार ले चलेंगे। आखिर किस लिए? देश की जो मूलभूत जरूरत हो आज रोजगार है। युवा बीटेक एमटेक किए, सब पढ़े पढ़े लिखे युवा सब भटक रहे हैं, उनको रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। धर्म का नाम लेके, राम का नाम लेके, तरह तरह की झूठ बोल के जो उन्होंने देश को गुमराह किया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, सबसे आम लोगों से पूछ के हमारा घोषणा पत्र आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया और कहा कि अमित शाह पता नहीं क्या क्या बातें कर गए, उनकी बड़ी मेहरबानी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह ही याद आता है। गृह मंत्री आए थे खिचीपुर, पता नहीं क्या क्या बात कर गए, मुझसे इतने प्रभावित है कि 17 बार अपने भाषण, 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है, दिग्गी राजा दी। उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय। इधर बिलासपुर में कांग्रेस महिला की अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ सिर्फ अन्याय करने का काम किया। देश में महंगाई चरम पर जा चुकी है, बेरोजगारी भारी संख्या में है, किसान और महिलाएं जो हैं उनको लेकर भी कोई बात नहीं कर रहा है। बीजेपी केवल जनता को बरगलाने में और मंगलसूत्र की माला जपने में लगी है। भाजपा कभी राम तो कभी मुसलमानों को लेकर प्रोपेगेंडा कर रही है, उनका ये भी कहना है। आपने कहा महंगाई कैसे कम होगी, महंगाई के दाम पेट्रोल और डीजल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हुई हैं, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती सेंचुरी पार करवा गए जेब से पैसा। हम कर सकते पेट्रोल डीजल के दाम कम, हमारे टाइम पर 50-60 रुपए ही था, 100 रुपया सेंचुरी तो नहीं क्रॉस हुआ था ना। दूसरा चरण संपन्न हो चुका है एमपी में, एक बार फिर से 2014 के मुकाबले मतदान कम दर्ज हुआ। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने इसके लिए महंगाई और महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेर डाला और कहा कि महिलाओं की 11% वोट घटने के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है, महंगाई की वजह से लोग घरों से वोट देने नहीं निकले। 11% वोट प्रतिशत घट गया, 8% ओवरऑल अगर दो चरणों की हम बात करते हैं, क्या कारण लगता है? क्यों देना चाहिए महिलाओं ने वोट? 3,000 रुपए का इन्हें कहा था, नहीं दिए, धोखा दिया ना शिवराज जी ने, मोदी गारंटी ने, तो वो धोखे का असर है। बीजेपी कह रही है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके गृह क्षेत्र में 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, पर प्रदेश में वो कांग्रेस 15 से ज्यादा सीट लाएगी। हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिन्होंने बड़ा दावा किया है कि 15 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, News18 इंदौर। 13 मई को मध्य प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव है, रतलाम में भी चुनाव है। कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया पर दांव खेल रखा है, वे चुनावी रण में मैदान में कूदे हुए हैं और जोर शोर से प्रचार में जुटे भी हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनका अलग अलग रंग भी नजर आ रहा है। उन्होंने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड भी खेल दिया। इसके उनके इस चुनावी अंदाज की चर्चा हर तरफ है, बीजेपी भी चर्चा कर रही है, तंज भी कस रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष इतना तक कह गए कि भूरिया सच कह रहे हैं, ये उनका आखिरी चुनाव है। नहीं होगा, दो पहले चुनाव हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत से तैयार है। वो सही कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, इस चुनाव में हम कंप्लीट उनको जमा कर देंगे कि इसके बाद वो कोई चुनाव लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। अपने चुनावी दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सिंधिया शिवपुरी जिले के बिलोकला गांव पहुंच गए। उनकी ये विजिट सरप्राइज विजिट रही, उन्होंने गांव वालों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान
वो क्षेत्र की बेटी दीप्ति से मिले। सिंधिया ने दीप्ति को मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी और कहा बेटी आगे चलकर क्या करना चाहती हैं। जवाब देते हुए दीप्ति ने बताया कि वे बड़े होकर IAS अफसर बनना चाहती हैं। मैंने दीप्ति को चुपचाप से कहा 96% अंक लेकर दीप्ति आई। इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी की एक फैन लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक कर रही है, भले ही वो खुद वोटर नहीं है। उम्र है 72 साल, नाम है श्रेष्ठा, जो कि रहती है मुंबई में। आई हुई हैं इन दिनों इंदौर में और 56 दुकान में क्षेत्र में जब वो पहुंची तो वहां पर लोग जो भी लोग मिले उनसे उन्होंने भी बताया कि बढ़ चढ़कर वोट करना है, वोट की अहमियत लोगों को समझाई उन्होंने। नेशन पोस्ट एंड वोट एंड मार्क, इफ यू डोंट वोट लाइफ इज वेस्ट, क्रॉस 18, वोट इज योर राइट, चूज द बेस्ट एंड शो योर माइंड, we demand rights and seek progress, we want the government corruptionless, we think of change in every process, but if we don't vote we are helpless, vote is the foundation of democracy, vote can change the public policy, vote is the boat for nation's odyssey, if we want India's glory and progress, if we want to show the public rule to get finance, if we want to show the spirit of oneness, then we must vote and be sure of success. So vote for Modi ji, and I hope that every people who live in Indore that vote for BJP. Thank you. और वक्त एक ब्रेक का है।